ए जो है किसी काम को फिनिश करता है वो है 10 days, बी जो है वो 20 days और सी जो है 30 days। तो इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 60। ये टोटल वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6, 3 और 2 की, यानी कि टोटल एफिशिएंसी 11 की हो जाएगी। तो कंप्लीटेड वर्क तो 4 दिनों में किया गया, काम कितना होगा 4 days, 4 days में किया हुआ काम यानी कि 11 into 4 यानी कि 44। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क इक्वल टू हो जाएगा 60 minus 44 यानी कि हो जाएगा 16। तो न्यू एफिशिएंसी ए और सी की जो हो जाएगी, ए और सी की, ए एंड सी की जो न्यू एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी, ए की हो जाएगी 6 into 2 यानी कि 12 और सी की जो हो जाएगी वो 2 into 1/2 यानी कि 1। तो न्यू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ेंगे न्यू एफिशिएंसी, ए प्लस बी प्लस सी जो जोड़ेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी न्यू एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 12 + 1 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 16। तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ डेज जो होंगे वो होंगे इक्वल्स टू 4 + 16 / 16 यानी कि हो जाएगा 5 days। ये हमारा आंसर होगा।